मोमबत्ती जल गया है और निश्चित रूप से आग को हवा सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन है या जल रहा है। एक प्रयोग करते हैं, देखते हैं कहां तक हम सफल होते हैं। इसका ऑक्सीजन सप्लाई लाइन काटने का प्रयास करते हैं। जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक ये जलेगा, बुझ गया। हाय एवरीबॉडी, आज एक नए मुद्दे पर लेकर आए हुए हैं। चूंकि सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम में आग लगी से संबंधित जानकारी है और उस वीडियो में हमने हवा का क्या रोल होता है आग में, कहने का तात्पर्य यह है कि आग का पोषक तत्व कौन है, इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आगे पढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं कि आग का पोषक तत्व क्या है, इसको हम लोग प्रयोग के द्वारा जानेंगे। पोषक तत्व मतलब होता है कि भोजन। आग का, सीधी सी भाषा में बोले तो आग का भोजन क्या है, तो सामान्य सा जवाब है कि आग का भोजन या पोषक तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं जल सकता है, तो ऑक्सीजन को अगर काट दिया जाए सप्लाई लाइन को तो आग का जलना असंभव है, उसे बुझना ही होता है। आइए एक प्रयोग के साथ हम इसको देखते हैं कि यह इसमें कितनी सत्यता है। इसको इसके प्रयोग के लिए हमने कांच का मग लिया है, मोमबत्ती, देखते हैं कौन सी मोमबत्ती काम में आती है, माचिस और एक एक्स्ट्रा इसका सहयोग के रूप में काम करेगा। तो हम देखते हैं इसमें ये क्या काम करता है। इस पर हम रखती है इसलिए कि हम चाह रहे हैं इस मोमबत्ती का उपयोग करें, इस पर रखेंगे और अब प्रयास करेंगे इसे जलाने का। तो इसे जलाने के लिए रखी देते हैं, प्रयास करते हैं मोमबत्ती को जलाने का। बेहतर ढंग से मोमबत्ती जल चुका है। दूर से इस नज़दीक से दिखा यहाँ कि मोमबत्ती जल गया है और निश्चित रूप से आग को हवा सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन है या जल रहा है। एक प्रयोग करते हैं इसका, देखते हैं कहाँ तक हम सफल होते हैं। इसका ऑक्सीजन सप्लाई लाइन काटने का प्रयास करते हैं और जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक ये जलेगा, बुझ गया। चूंकि हमने इसे प्रयास किया जलाने का और हम कहे थे कि आग जब जलती है तो ऊष्मा यानी ताप, हीट और प्रकाश मतलब लाइट भी देती है, दोनों देती है, और इसका परिणाम ये हुआ कि ये अंदर जो सपोर्ट दिए ग्लास, एक्स्ट्रा ग्लास जो दिए हैं सपोर्ट की, दिखे कैमरा में अच्छा, इसका मतलब ये देखिए हो गया कि ये ज़्यादा ताप पड़ा और यह पिघल गया, तो इसे हमें थोड़ा सा परिवर्तन इसमें लाना होगा। प्रयोग तो हम कर ही लेंगे, इसके जगह छोटे गिलास का हम प्रयोग कर रहे हैं, यह और इस पर रखेंगे और ढक्कन के बजाय अखबार का इस्तेमाल हम करेंगे। तो पहला है संघर्ष की, हम चुनौती है कि हम इसे जलाएं, तो जलाने में हम सफल हो लें तो उसके बाद क्योंकि हवा तेज है जलाने में कठिनाइयाँ हो रही है, लेकिन जुगाड़ नीति के तहत प्रयास करेंगे इसे हम जलाने का और सफल हो ही जाएंगे। इस चीज़ को ये हमने
अब इसका दूसरा पार्ट प्रेशर देकर हम इसे निकाल लेंगे। इस जुगाड़ के तहत बड़ा मेहनत लगा चूंकि हवा लंबी चल रही है। देखिए इसमें ऑक्सीजन है इसलिए वो जल रहा है। अब हम इस ऑक्सीजन के सप्लाई को काटने का प्रयास करेंगे। जो जो ऑक्सीजन खत्म होगा उसका लौ देखिएगा धीमा पड़ेगा और वो बुतने के कगार पे आ जाएगा। जब तक रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन उपलब्ध है। देखिए धीरे धीरे लौ कम होता जा रहा है धीरे धीरे। नजदीक से दिखाएं नजदीक देखिए तेज हो जाएगा। अब संभवतः तेज हो जाएगा। ऑक्सीजन मिला इसे पुनः देख लीजिए। ऊपर देखिए ढक्कन हम हटा दीजिए हटा चुके हैं। ढक्कन से दिखाइए कि ये लौ तेज हो गई। यहाँ से देखें पुनः कुछ देर के बाद चूँकि ऑक्सीजन अब पूर्ण हो गया इसको जितना चाहिए। अब लौ पर ही नज़र बनाए रखेंगे। हम इसको पुनः ढक रहे हैं। अब जब तक इसमें ऑक्सीजन है उतना भर यह लौ जलेगा और धीरे धीरे यह धीमा पड़ जाएगा। लौ एकदम नज़दीक से दिखाएं धीरे धीरे अब कम होना प्रारंभ हो चुका है। ऑक्सीजन चूँकि ख़त्म हो रहा है और ये धीरे धीरे लौ ऑक्सीजन के बगैर यह धीमा पड़ गया। अब पुनः छोड़ देते हैं ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं और यह मध्यम पड़ते पड़ते अब देखिए आ चुका है। यह धीरे 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 ये लो। तो ये हमारा था देखें आ गया। तो ये कम और ज़्यादा जो हो रहा है ये ऑक्सीजन सप्लाई के चलते। दूर से दिखाएं तो ये इसलिए हो पाया कि ऑक्सीजन की सप्लाई जब जब हम इसका रोके इसकी लौ धीमी पड़ गई यहाँ तक बुझने की कगार पे आ गया और जब इसकी ऑक्सीजन सप्लाई को चालू कर दिए तो यह लौ जितना होना चाहिए उतना प्रकाशित दे रहा है। इसका मतलब है ऑक्सीजन का सप्लाई कट रहा है या चालू कर रहे हैं। तो प्रयोग के द्वारा हमें यह पता चला कि आग का भोजन ऑक्सीजन है, आग का भोजन वायु है, आग का पोषक तत्व वायु है यानी ऑक्सीजन है। यह था मेरा धन चैप्टर से प्रयोग और यह चैप्टर वर्ग अष्टम में साइंस है और पहला चैप्टर है दहन व ज्वाला चीज़ों का जलना उसी में से है। और आने वाले सुरखी शनिवार कार्यक्रम में इसको समझाने की भी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए इस वीडियो को हम आप तक लाए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। पूरा तो कम पड़ जाता है फिर से देखें एक बार। कम हो गया बिल्कुल कम। बैठ गया और फिर सप्लाई दे देते हैं और बुझ गया यानी ऑक्सीजन पूर्णतः खत्म हो गया था। तो यह प्रयोग करने में यह सामग्री जरूरी पड़ेगा मोमबत्ती और कांच का या बर्तन और क्या कहें इतना प्रयोग करने में इसकी कुर्बानी दे देनी पड़ी। या ख़राब हो गया या जग था और यह भी ये सलामत है लेकिन इसकी कुर्बानी दे देनी पड़ी। चलिए ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में।